आपको बालन शाह पता है ना? हाँ हमको पता है, हमको उनके बारे में मतलब बहुत अच्छा लगा। पहले तो पता नहीं था, बट बाद में धीरे धीरे मुझे पता हुआ और ये सब बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा हमें, और उम्मीद है इससे भी अच्छा बदलाव होगा। एकदम अच्छी बात बोलिए नेपाल के लिए और बालन शाह काठमांडू के लिए। ये जो सिटी के लिए जो बालन शाह कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, और वो जो जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। जैसे कि अभी उतना ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, वहाँ जाम नहीं मिलेगा आपको, है ना। अभी भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा हमको जैसे लग रहा है, अब देखते हैं आगे। हमारा 6-7 दिन हुआ आए हुए नेपाल में काठमांडू में। अभी आप काठमांडू में घूम रहे हैं, अभी आप बालन सिटी में? हाँ जी, मैं बालन सिटी में हूँ और यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है और बहुत ही मज़ा आया। ये चित्र देखकर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सामने सामने कुछ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये घूमकर और यहाँ का नजारा देख। रि बेला झमझम पानी पर्ला जस्तु काठमांडू में, रामी यहाँ 3 जना साथी भेटाई छो। नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, जैसे कि वहाँ पे जो यात्री के लिए जो सुविधा होता है, जो बैठने के लिए होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जो मतलब विदेशी टाइप का जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है, तेज में आ चुकी है और भाग रही है। यहाँ पे जो चित्र बन रहा है वो बिल्कुल रियलिटी लग रहा है, उसमें मतलब उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ राज छुपा हुआ है जैसा लग रहा है। और ये जो है जो आपने चित्र में दिखाया है ना, वो काठमांडू के मौलिक कला संस्कृति वो बता रहा है वो चित्र में, है ना। तो वो चित्र जैसे कुछ बता रहा है, उसके अंदर कुछ राज छिपा हुआ है जैसे लग रहा है, और ये बहुत ही अच्छा है। उसको एकदम ध्यान से देखने से आपको थोड़ा सा वो बहुत अच्छा फील आएगा, और उसके अंदर कुछ आपको आपको कुछ दिखेगा, जैसे कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है वैसे आपको फील होगा। आपको बालन शाह पता है ना? हाँ हमको पता है, हमको उनके बारे में मतलब बहुत अच्छा लगा। पहले तो पता नहीं था, बट बाद में धीरे धीरे मुझे पता हुआ और ये सब बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा हमें, और उम्मीद है इससे भी अच्छा बदलाव होगा। एकदम अच्छी बात बोलिए नेपाल के लिए और बालन शाह काठमांडू के लिए। और क्या बदलाव चाहते हैं आप काठमांडू ये सिटी के लिए? ये जो सिटी के लिए जो बालन शाह कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, और वो जो जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। जैसे कि अभी उतना ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, वहाँ जाम नहीं मिलेगा आपको, है ना। अभी भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा हमको जैसे लग रहा है, अब देखते हैं आगे। अब कितने टाइम रहेंगे यहाँ काठमांडू? अब देखते हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो, बट देखते हैं, हमको तो और रहने का दिल है। हजुर को शुभ नाम भन्नुहोस् त? मेरो नाम युसुफ हो। कहाँ देखि हो? म इन्डिया। इन्डिया देखि? हजुर। नेपाली त मजाले बोल्नु पर्छ। अँ बच्चैदेखि त बसेँ हो नि, त्यही भएर जेस बोल्न चाहिँ अब ठिक बोल। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको यो काम देखिरहेका छौँ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यहाँ चित्र बनाइरहेको? यो चित्र धेरै राम्रो लाग्यो, जेस राम्रो बनाउनु भएको रह्यो, होइन राम्रो लाग्यो, जेस धेरै मिठो राम्रो लाग्यो। इन्डिया से? हाँ जी मैं इन्डिया से हूँ। अच्छा आप दोस्त हो क्या? जी ये हमारे दोस्त। आप कब आए नेपाल? हमारा 6-7 दिन हुआ आए हुए नेपाल में काठमांडू में। अभी आप काठमांडू में घूम रहे हैं, अभी आप बालन सिटी में? हाँ जी मैं बालन सिटी में हूँ और यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है और बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। और मैं यहाँ एक मॉल में आया था, मालूम ना नाम क्या है? सिविल मॉल है, और इसमें सभी प्रकार का सामान मिल रहा है और हम बहुत इंजॉय किए, अच्छा लगा हमको। अभी आप ये धर्रा के आसपास में है ना, वहाँ पे धर्रा है और आप यहाँ खड़े हैं, और आपका पीछे जो आपने पिक्चर किया था वहाँ पे वो बालन ने पेंटिंग कर रहा था, वो आपको कैसा? गाइस हमको चित्र बहुत ही अच्छा लगा, और ये हाथ से बनाया लो, और बहुत ही मज़ा आया ये चित्र देखकर, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सामने सामने कुछ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये घूमकर और यहाँ का नज़ारा देखकर। अब देखते हैं कब तक रहते हैं। दर्शक बहन एकदमै भारतबाट आउनु भएको थियो साथी, एकदमै काठमाडौँ र महानगरपालिका र बालन शाहको तारिफ उहाँले गर्नुभयो। साँच्चीकै यी दृश्यहरूले काठमाडौँको मौलिक संस्कृति कलालाई झल्काउँछ, र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा एउटा पानी परिरहेको छ। साँच्चीकै काठमाडौँलाई एउटा विश्वको प्रदूषित सहर भनेर समाचार आइरहँदाखेरि यो दृश्यले साँच्चीकै यहाँको सौन्दर्यतालाई झल्काउँछ। र यति बेला हामी धर्रा छौँ, पानी परिरहेको छ,
एकदम यहाँ को दृश्य मनमोहक छ। काठमाडौँ साच्चै सुन्दर हुँदैछ, सफा हुँदैछ र यो जुन भित्ता तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ नेपाल टेलिकमको पर्खाल भनौँ अथवा भित्ता भनौँ, जहाँ चाहिँ आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको यो एकदमै उत्कृष्ट काम जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने काठमाडौँ अथवा नेपालको मौलिक संस्कृति झल्काउने खालका यहाँ चित्रहरू कोरिएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि जो कोही मानिसहरू यहाँ आइरहँदाखेरि काठमाडौँका मौलिक संस्कृति नेवारी संस्कृतिहरूलाई यहाँ हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। एकदमै यो काठमाडौँ महानगरपालिका बालेन शाहको एकदमै राम्रो काम, किनभने यो मौलिक संस्कृति सभ्यतालाई बचाइराख्न अथवा चिनाइराख्नका लागि यो चित्र नै काफी हुन्छ। प्रायः जस्तो हामीले भित्तामा चाहिँ पर्खालमा अरू सूचना अथवा मनोरञ्जन खालका दृश्यहरू देख्थ्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति हाम्रो कला सम्पदालाई चिनाइराख्नका लागि कोरिएका यी चित्रहरू साँच्चिकै हेर्दाखेरि आकर्षक छन् र मनै लोभ्याउने छन् र जसले चाहिँ काठमाडौँको संस्कृति कला संस्कृतिलाई पनि मजाले झल्काएर चिनाउँछ, जसले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायमा पनि एकदमै राम्रो टेवा पुग्छ। किनभने बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू जहाँ चाहिँ यहाँ धर्रा घुमेर आइरहँदाखेरि यो दृश्यहरू देख्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि ओहो काठमाडौँमा यस्तो यस्तो पनि रहेछ है भन्ने खालको त्यो प्रष्ट रूपमा झल्किन्छ। साँच्चिकै एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। यो ठ्याक्कै धर्रा छ र धर्राको यो छेउमै हामी छौँ र यहाँका यी चित्रहरूले एकदमै यहाँनिर फोटो खिच्न आउने मान्छेहरूको भिडभाड पनि अलिकति बढी देखिरहेको छु, किनभने साँच्चीकै म उहाँहरूसँग थोरै कुराकानी पनि गर्नेछु र यहाँ थुप्रै पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो कभरेजका लागि आइपुग्नु भएको। अब यहाँनिर यसरी यहाँनिर यो बनाइरहेको दृश्य, अब यहाँनिर कसरी यो एकदमै यो पेन्टिङ गर्ने काम एकदमै दुःखको काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै मिहिनेत लाग्छ एउटै पेन्ट गर्नका लागि पनि, यहाँ घन्टौँ समय र त्यसमा आफ्नो कौशलता पनि चाहिन्छ। किनभने ल हेर्नुहोस् अब यसलाई चित्र बनाउनको लागि एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् यो मेसिन हो, मेसिनबाटै पेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। ल अब यहाँ चाहिँ यो पेन्टमा चाहिँ अब धेरैजनाले फोटो पनि खिचाइराख्नु भएको छ, साथीले एकदमै राम्रो पोज दिइराख्नु भएको छ। आउँछ आउँछ, फोटो खिचाइराख्नु भएको छ हजुर, फोटो खिचाइराख्नु भएको छ बहिनीहरूले पनि फोटो खिचाइराख्नु भएको छ। ल फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, र एकजना दिदीले चाहिँ यहाँनिर ब्लग पनि बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ।